तुझा ट्रस्टी कोण आहे बोलो बोलो ओ भाई साहब इधर आइए। कौन सा मस्जिद है ये? शंकर मोहल्ला। आपको मालूम नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 लगा हुआ है? नहीं, बोले भाई, बोले भाई। बंद करवाइए भाई। क्यों, आपके लिए नियम लागू नहीं है क्या? नहीं नहीं बोल, आप लोग ये देश में नहीं रह रहे? ले दो ले, आगे जा रहे बेटा, जा रहे चला, जा रहे तेरे का पंचे, आगे जा रहे इधर चला, चले भैया पंचे दे, अभी चल कोई यहाँ भी दिखना नहीं चाहिए, आप जाओ अभी, जा ये जा घूम के जा, जा जा फिर आपने नमाज पढ़ा? थैंक यू वेरी मच। आ जाओ भाई, और कौन आ जाओ, क्या मजा। आठ माह के तवील इंतज़ार के बाद मुंबई के मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। मसाजिद में कोविड कवानीन के तहत नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने दिया गया। मास्क और सैनिटाइज़र को ज़रूरी करार दिया गया। मस्जिद के वजूखाने बंद कर दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मस्जिद में निशानात लगाए गए। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए नमाज जुमा आज अदा की गई। मास्क लगा के लोग आए, वजू घर से करके आए, छोटे बच्चों को आने की मना, 65 साल के बच्चों को घर में नमाज फ्लोर की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। नमाज के बाद मुंबई पुलिस ने मस्जिद के जिम्मेदारों का खैर मकदम किया। पुलिस अफसरान ने कहा कि हुकूमत ने जब सख्ती बरती तो उस दौरान यहां के लोगों का पूरा पूरा ताउन मिला। यही वजह रही कि जब हुकूमत ने इबादतगाहें खोलने का हुक्म दिया तो अब मुंबई पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि वह उनका शुक्रिया अदा करें। ऐसा था कि 23 मार्च को जब 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, 23 मार्च को कर्फ्यू का ऑर्डर था, 144 का ऑर्डर था, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नमाज पढ़ा किया था 200-250 लोगों ने, तो उस वक्त उसलिए हमने इस पे कानूनी कार्रवाई की थी। उसके बाद हमको ट्रस्टी और इधर के लोगों ने बहुत मदद की, उसके बाद एक बार भी एक मस्जिद खुली नहीं है। तो आज जब गवर्नमेंट के आदेश के बाद ये मस्जिद खुली गई है, तो आज जुम्मा पहला जुम्मा है वहाँ पे, ये सब नमाजी आए हुए हैं। पुलिस का जो एक्शन था वो एक एक्शन किस इंटेंशन से था, एक अच्छी इंटेंशन से था, वो पता चलने के लिए और आपकी पुलिस और आम जनता इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आज हमने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है। मुंबई के इन इलाकों में आवाम को लॉकडाउन के सबब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों की तादाद ज़्यादा और छोटे घर होने के सबब पुलिस की सख्तियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सख्तियों के बाद कोरोना वबा से आखिरकार निजात मिल ही गई।